तो आप स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम JNV डोडा। तो कैसा लगता है आपको यहाँ जब आए आप? तो यहाँ पर बहुत अच्छा है, मैं यहाँ मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और यहाँ पर टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और यहाँ पे बुक के अलावा भी हमें बहुत कुछ लेक्चर दिया जाता है जिससे हम अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह क्लियर कर पाएँ। बस का भी ठीक है, खाना भी हमें बहुत अच्छा मिलता है, बाकी सब फैसिलिटीज़ भी हमें, और यहाँ के प्रिंसिपल भी बहुत अच्छे हैं, हमारी हर विश पूरी की जाती है यहाँ पे, हमें हर तरीके से कम्फर्टेबल बहुत अच्छा है। बाकी है बच्चों को बाहर खेलने लिया जाता है, सभी को जिस पर जिस गेम में इंटरेस्ट हो वो गेम खेल सकता है यहाँ पर। खाना तो हमें यहाँ बहुत अच्छा मिलता है और यहाँ पे हमारी हेल्थ के अकॉर्डिंग हमें खाना मिलता है, डेली अलग अलग हमें डिशेज यहाँ पर मिलती हैं और उनकी इवन में हमें यहाँ पे शरबत वगैरह मिलती है और ब्रेक में भी हमें फ्रूट्स वगैरह भी मिलते हैं यहाँ पे, टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ मिलता है। तो कैसा लगता है आपको यहाँ? बहुत अच्छा मिलता है, प्रॉपर डाइट मिलती है, एकदम बैलेंस डाइट मिलती है जो हमें खाना चाहिए, जैसे कोई फास्ट फूड वगैरह नहीं मिलता जिससे हमें कोई हमारे हेल्थ को हार्म हो या, और सभी बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, अच्छे से खाना प्रोवाइड करते हैं, वेजिटेबल्स अच्छी अच्छी डेली खाना मेन्यू जो होता है वो चेंज होता है, ऐसा नहीं कि एक ही खाना होता है। मेरा डॉक्टर सर क्या नाम है सर आपका? धनी राम सर। सर बोलिए सर। 86 से मैं इधर लगा हूँ, अभी तक कुछ हमारा कुछ हुआ नहीं, काली मैस का काम कर रहा था और कुछ अभी काली मैस का ही हम। संचालित होता है और एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम जिसमें बच्चों को एक मुफ्त शिक्षा दी जाती है और इसके तहत बच्चों का एक बिल्कुल ऑलराउंड डेवलपमेंट हम यहाँ करते हैं। हमारे यहाँ जब डोडा की बात करें तो डोडा में हम रामबन, डोडा और किश्तवाड़ तीन ज़िलों से बच्चों को एडमिट करते हैं और
बहुत ही अच्छा मतलब अभी क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास थोड़ा कम है, इसकी वजह से हमारा इनटेक जो है 40 का हो पाता है, 40 बच्चे एडमिट कर पाते हैं। और उसमें अब की बार रामबन थोड़ा सा अलग हो गया, रामबन में जेएनवी खुलने जा रहा है एंड दिस ईयर वी हैव टेकन 40 स्टूडेंट्स फ्रॉम टू डिस्ट्रिक्ट डोडा एंड किश्तवाड़। और जहाँ तक इस स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें थोड़ा सा कम है, इनटेक 40 का है, लेकिन जो भी हमारे पास जितने बच्चे रहते हैं उनका एक ऐसी रूटीन के तहत उनका डेवलपमेंट किया जाता है और बच्चे स्टाफ पानी सही तरह से यूज़ कर रहे हैं। और एक रोड की यहाँ इंटर रोड्स की थोड़ा इशू रहता है, वो भी उम्मीद है कि जो हमारा डिपार्टमेंट है वो जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी है JKPCC उनके साथ पूरे लाइजन रखे हुए हैं, तो उम्मीद है जल्दी ही वो भी ठीक हो जाएगा। तो कमज़ोरी नहीं कह सकते आप, हमारे पास जो स्टाफ है एक बहुत ही टैलेंटेड स्टाफ है, जैसे मैंने बताया आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे रहते हैं, एक्चुअली हमारे पास करीबन 13-14 स्टाफ हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। और अभी लिस्ट आई है, हमने अपने जो डिप्टी कमिश्नर चंडीगढ़ है उनसे भी हम बार बार बात करते हैं और कोरेस्पॉन्डेंस होता है, तो उम्मीद है कि जल्दी ही और भी रेगुलर स्टाफ ज्वाइन करेगा। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट टीचर हमारे पास है वो भी द बेस्ट है। हमने जो पैनल तैयार किया है उसमें CO साहब की हेल्प से और एक अच्छी मेरिट में टॉपर्स को हमने लिया है और द बेस्ट टीचर्स वी हैव गॉट, बच्चे सेटिस्फाइड हैं एंड आई एम श्योर ये जो टीचर्स है ये टीम हमारे बच्चों को प्रोफेशनली ट्रेन करेंगे एंड आफ्टर प्लस टू बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे और इट विल बी बिकॉज ऑफ दिस टीचर्स दैट वी डू हैव हियर।